तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी की कमाल की एक सेटिंग बताने वाला हूँ, या फिर बोल सकते हैं कमाल का एक फीचर बताने वाला हूँ जो कि आपको सैमसंग गैलेक्सी में मिलता है और बहुत ही यूजफुल है। अगर आप अपने मोबाइल में चैटिंग करते हैं या फिर आपके पास बहुत सारी नोटिफिकेशन आती है, तो ये वाला जो फीचर है ना कमाल का और बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आप वहाँ पर इजीली पता चल जाएगा कि ये आपकी काई की नोटिफिकेशन आई है, आपको बिल्कुल उसको खोल के ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बहुत ही क्विकली उसको देख सकते हैं। बहुत ही कमाल का ये फीचर है, ये लोगों ने बहुत सारे वीडियो बना भी रखी है, बट मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ बहुत ही यूजफुल फीचर है। क्या ये फीचर है, कैसे यूज़ करेंगे, आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एस ए टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको जिस फीचर के बारे में बताने वाला हूँ वो ये फीचर है। आप देख रहे होंगे मेरे मोबाइल की स्क्रीन ऑफ है और वहाँ पर नोटिफिकेशन आया और वो यहाँ पर येलो कलर का बता रहा है। ऐसे ही अगर किसी का भी नोटिफिकेशन आएगा वो उसको कलर वाइज आपको बता देगा। आप चाहें तो लॉक स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, या फिर अगर आप जोन से भी स्क्रीन पर हो उस स्क्रीन पर भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अब मैं नॉर्मल स्क्रीन पर आ गया हूँ, जब भी कोई नोट मैसेज आएगा, जैसे कि मैंने वहाँ पापा के नंबर पर सेव कर रखा है कि जब भी उस नंबर से मैसेज आए तो येलो कलर का बैकग्राउंड हो जाए और वो वहाँ पर एक एनिमेशन भी रन हो जाए। तो आप भी यहाँ पर सेट आउट कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर बंदे का आप नाम सेट कर लीजिए या फिर कोई ऐप का भी नाम वहाँ पर सेट कर देंगे, तो जब भी उसके थ्रू मैसेज आएगा और आपको वहाँ नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर आपके पास कोई एज वाला मोबाइल है जिसमें एज आपको दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर एज लाइटिंग भी आप वहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं। तो उसको इनेबल करने के लिए आपको करना क्या है, जाना है सेटिंग पे, सेटिंग में जाने के बाद जाना है नोटिफिकेशन पे, नोटिफिकेशन में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल में। बाय डिफॉल्ट हो सकता है आपका डिटेल्स में हो, आपको यहाँ पर ब्रीफ में कर लेना है। ब्रीफ में करने के बाद जहाँ जाना है आपको एज लाइटिंग वाले स्टाइल में ऑप्शन में चले जाना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी लाइटिंग मिल जाएंगी, बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे नए नए इफेक्ट्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपको अगर आपके एज वाला मोबाइल है तो आपको यहाँ पर एक एज लाइटिंग का भी ऑप्शन मिलेगा, तो आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं। ये इफेक्ट्स दिए गए हैं जो कि बैकग्राउंड में आएंगे आपके चूज़ करने के बाद। आप देख रहे हैं वही इफेक्ट आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है। जो भी आपको अच्छा लगे आपको उसको चूज़ कर लेना है, वहाँ जाना है, वहाँ कलर चूज़ कर लेना है किस कलर में आए, तो उस कलर को आप यहाँ पर चूज आउट कर सकते हैं। एंड देन एडवांस में जाएंगे तो आप उसकी ड्यूरेशन और टाइम टेम्परेंसी को भी यहाँ पर सेट आउट कर सकते हैं। जैसा कि अभी मेरे दूसरे नंबर से आया था तो आपको दिखा ऐसा आया था, अब मैं आपको एक और नंबर से सेंड करके दिखाता हूँ मैसेज। जैसे कोई दूसरे नंबर से मैसेज आएगा तो आप देख रहे होंगे दूसरे कलर में और दूसरे पॉपअप में आ रहा है। तो आप इस तरीके से सेट आउट कर सकते हैं और जब बाद में आप उसका चाहें उस नंबर के थ्रू आप डायरेक्टली देख सकते हैं यार मैसेज उसका आया होगा। तो लाइटिंग वाला इफेक्ट भी बहुत शानदार है। तो आपको एक्चुअल में इनेबल करने के लिए वापस यहीं जाना है करेक्ट नोटिफिकेशन पे, नोटिफिकेशन में जाने के बाद जाना है आपको नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल में। यहाँ पर आपको एज लाइटिंग सेट कर लिया आपने, अब आपको कीवर्ड सेंड करना है कि किसके लिए है, तो आपको कलर बाय कीवर्ड में चले जाना है। तो जिसका भी आपका नो भी नाम सेव है, लाइक जो मतलब जैसा कि आपने सेट कर रखा है तो उसको वैसा ही डालिएगा, क्योंकि केस सेंसिटिव है। मतलब कि अगर आपने किसी का नाम सनी लिखा है तो उसको पूरा शॉर्ट में लिखा है तो आपने वैसे ही शॉर्ट में सनी यहाँ पर लिख लेना है, या अगर आपने वहाँ पर उसमें फर्स्ट लेटर को कैप्स में लिखा है तो आपको फर्स्ट लेटर को कैप्स में ही लिखना है, नहीं तो फिर वो काम वर्क नहीं करेगा। आपको सही नाम लिख लेना है, यहाँ प्लस में जाना है, प्लस में जाने के बाद आपको वहाँ पर कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको जब भी कोई सनी नाम से कोई भी मैसेज आए या कहीं भी कुछ नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें आपको वहाँ पर ग्रीन कलर वहाँ पर शो कर देगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो उस तरीके से ये फीचर काम करेगा, सिंपली आपको इसको इनेबल कर लेना है और जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो आपको उस कलर में हाईलाइट होके बताएगी। तो यही फीचर था दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आप लगता है कुछ कमी है मेरे वीडियो में तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डीएम करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू।